राम का मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, राम के आदर्श अपनाने होंगे, सिद्धांत की राजनीति लानी होगी। भगवान करे मेरे देश के सब नेताओं को सद्बुद्धि मिले। गुलाम देश की राजनीति देश के लिए थी, लेकिन आजाद देश की राजनीति केवल कुर्सी के लिए, केवल कुर्सी के लिए, देश के लिए नहीं। और इस हवा में मेरी पार्टी भी चल पड़ी, ये मुझे दुख है। मेरी पार्टी को नहीं चलना चाहिए। दो बार मुख्यमंत्री रहा, केंद्र में मंत्री रहा, लेकिन सिद्धांत की राजनीति की मैंने। लेकिन जो कुछ हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोल पा रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आप बहुत आग्रह करोगे हो सकता है मेरी आंखों से कुछ आंसू तो निकल आए, शब्द मेरे पास नहीं है बस। सर, आप प्रदेश के सबसे दिग्गज नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और पार्टी आज जिस स्थान पर पहुंची है उसमें भी आपका योगदान रहा है, परंतु जो परिस्थितियां प्रदेश में उभरी हैं उसमें कहीं ना कहीं क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं 1951-52 से भारतीय जनसंघ और फिर जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी में जीवन लगाया। जीवन के 70 वर्ष राजनीति में लगाए और मुझे पार्टी ने, देश ने बहुत कुछ दिया। आज मैं 90 वर्ष की आयु में हूँ, पीछे मुड़कर देखता हूँ, सोचता हूँ 51-52 में हमारी पार्टी के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। पुलिस की लाठियां, चुनाव लड़ते थे तो जमानत जब्त होती थी, खबर कहीं लगती नहीं थी। लेकिन उस वक्त मेरी पार्टी के पास 3 चीजें थी। समर्पित कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, देशभक्ति की विचारधारा और मूल्य आधारित राजनीति। इन 3 बातों के कारण उस वक्त की दुनिया की सबसे छोटी पार्टी को मेरे देश की जनता ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। तो मैं यही कहता हूं, जिस कारण हम यहां पहुंचे वो बातें हमको छोड़नी नहीं चाहिए। तो सर, परिस्थितियां बदली हैं या पार्टी के सिद्धांत बदल गए? परिस्थितियां तो नहीं बदली, मनुष्य परिस्थितियों को बनाता है, मनुष्य परिस्थितियों को बदलता है। पर मैं कह रहा हूं जो कुछ हो रहा है इस संबंध में मत पूछो, कुछ नहीं कहूंगा। शांता जी, बात ऐसी, आपने पुरानी बात कही, दौर बदल गए और आज के समय में राजनीति भी बदल गई, आज सिद्धांत खत्म हो गए राजनीति के, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान करे देश की राजनीति में कुछ स्तर आए। मैं हैरान होता हूं, गुलाम देश की राजनीति देश के लिए थी, गुलाम देश की राजनीति देश के लिए थी, लेकिन आजाद देश की राजनीति केवल कुर्सी के लिए है, केवल कुर्सी के लिए, देश के लिए नहीं। और इस हवा में मेरी पार्टी भी चल पड़ी, ये मुझे दुख है। मेरी पार्टी को नहीं चलना चाहिए। मैं रहा, सत्ता छोड़ी, सत्ता नहीं छोड़ा, 3.5 साल जेल में रहा, मुझे खुशी है 2 बार मुख्यमंत्री रहा, केंद्र में मंत्री रहा, लेकिन सिद्धांत की राजनीति की मैंने। भगवान का बहुत धन्यवाद करता हूं, देश में, भारत में जहां राम मंदिर हमने बना लिया, राम का मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, राम के आदर्श अपनाने होंगे, सिद्धांत की राजनीति लानी होगी। भगवान करे मेरे देश के सब नेताओं को सद्बुद्धि मिले और ये राजनीति देश के लिए हो, देश के लिए हो। शांता जी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री हैं विप्लव ठाकुर, उनका कहना है कि अगर कांग्रेस से बाहर बात की जाए तो जो मुख्यमंत्री हैं वो सबसे उनके पसंदीदा मुख्यमंत्री आप रहे हैं। उनका कहना कि आपने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और आज की जो भाजपा है
वो लगातार यही कार्य कर रही है। दुर्भाग्य देश का, भगवान करे ऐसा ना हो, भगवान करे नेताओं के सद्बुद्धि मिले, और क्या कर सकता हूँ मैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।